Hello everyone, I am Tamanna from Manzil Institute and welcome to our quant session. Today our topic is ports and streams. Before starting with our questions, first we have to know the basics of ports and streams. So, in ports and streams, speed of boat in still water is denoted by b km per hour, speed of water, stream and current is denoted by w km per hour, downstream speed is b plus w. यानी कि जब हम दोनों स्पीड्स को ऐड कर देते हैं तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड. अगर हम दोनों स्पीड्स को माइनस करते हैं तो क्या आता है, अपस्ट्रीम स्पीड. डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज बी माइनस डब्ल्यू. सो स्टार्ट विद आर फर्स्ट क्वेश्चन. आर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बोट गोज 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड व्हाइल रिटर्निंग डाउनस्ट्रीम कवर 25% मोर डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम. इफ बोट टेक्स 4 1/2 hour मोर to cover upstream then downstream, find the speed of current if speed of boat in still water is 9 km per hour. So वो क्या कह रहे हैं कि a boat goes 28 km upstream, यानी कि boat 28 km upstream जा रही है, but downstream के केस में वो कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करती है, 25% more than 28 km. और if boat takes 4 1/2 hour more to cover upstream than downstream, यानी कि जब हम upstream जा रहे हैं तब हमें 4.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं downstream से. हमने find क्या करना है, speed of current. speed of current किससे denote करते हैं, W से. W हमने find करना है और B की value कितनी given दी हुई है, 9 km per hour. हम question कहाँ से start करेंगे, जो आप underlined line देख रहे हो. If boat takes 4 1/2 hour more to cover upstream than downstream, they are saying कि upstream time माइनस डाउनस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू 4 1/2 hour. यानी कि हमें अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम से, कितना ज्यादा लग रहा है, 4.5 घंटे, 4 1/2 hour. अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 28 किलोमीटर. अपस्ट्रीम स्पीड को किससे डिनोट किया जाता है, बी माइनस W से. मैंने जस्ट अभी क्या बताया था कि B की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 9, और W की फाइंड करनी है. सो B माइनस W से ये क्या बन जाएगा, 9 - W. डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इज व्हाट, 25% मोर देन 28 किलोमीटर. अब कई स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, 25% पहले फाइंड करेंगे फिर 28 में ऐड करेंगे. नहीं, ऐसी चीजों को ऑरली करने की कोशिश किया करो. 25% इज व्हाट, 1/4. 28 किलोमीटर का 1/4 क्या होता है, 7 किलोमीटर. 28 प्लस 7 इज व्हाट, 35 किलोमीटर. आई अगेन रिपीट, 25% मोर, यानी कि 28 किलोमीटर का पहले हम 1/4 निकालेंगे, 7 मोर लिखा हुआ है, इस वजह से हम 28 में 7 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 35 किलोमीटर. क्लियर है. उसके बाद स्पीड क्या होती है डाउनस्ट्रीम की, बी प्लस डब्ल्यू. बी की वैल्यू है 9, डब्ल्यू की फाइंड करनी है, सो ये क्या बन गया, 9 + W. 4 1/2 इज 9/2. बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म है. इसके आगे हमने इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक नहीं बनानी. बस अब हम ऑप्शंस चेक करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, 6 किलोमीटर पर आवर. सेकंड 3, फिर 5, फिर 4, फिर नन ऑफ दिस. हम हर एक ऑप्शन डाल के नहीं देखेंगे, क्या किस अप्रोच से जाएंगे हम, कि हमारा बेस क्या है, इवन. इवन है सो ऑब्वियसली हमें यहां सॉल्व करके भी इवन ही चाहिए अपना बेस. आप ऐसा ऑप्शन पुट कीजिए जिससे आपका बेस इवन बने. लाइक अगर मैं पहला ऑप्शन पुट करती हूँ, 9 - 6 क्या बनेगा, 3. क्या 3 इवन है या ओड? ओड है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो वहीं पे एलिमिनेट कर दो. सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, 3. 9 - 3 इज व्हाट, 6. 28 upon 9 - 3, 6. 35 upon 9 + 3 दैट इज 12 इज इक्वल टू 9 upon 2. 6 और 12 का एलसीएम लिया, 12. 28 - 56, 12 - 12 = 35 इज इक्वल टू 9/2. 56 में से 35 गए, कितना आया, 21 upon 12. क्या ये 9/2 के इक्वल है, नहीं, हमारा ऑप्शन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ. सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एलिमिनेट हो गया ये ऑप्शन क्योंकि हमारा आंसर ही सेटिस्फाई नहीं हुआ. नेक्स्ट ऑप्शन पुट करके देखते हैं, दैट इज 5. पहले चेक कर लो कि इवन बन रहा है बेस. 5 जब मैं 5 पुट करूंगी, 9 - 5 = 4, इवन बन रहा है, ठीक है, यही ऑप्शन पुट करके देखते हैं हम. 9 - 5 = 4 - 35. 9 + 5 =
14 इज इक्वल टू 9/2। कट किया 7 आ गया, यहां पे 7 के टेबल में जब कट किया क्या बन गया 5/2। 7 - 5/2 इज इक्वल टू 9/2। एलसीएम लेने के बाद ये क्या बनेगा 14 - 5/2 इज इक्वल टू 9/2। 9/2 इज इक्वल टू 9/2। सेटिस्फाई हो गया, राइट हैंड साइड 9/2 थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी 9/2 बना दी। कौन सा ऑप्शन यूज करके बनाई, सी ऑप्शन, दैट इज 5 km/h। सो व्हाट इज आवर आंसर, 5 km/h, दैट इज स्पीड ऑफ करंट इज 5 km/h। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मुझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक इट एंड शेयर इट।